हमारे कल्चर में सदियों से ये ट्रेडिशन रहा है कि फेस्टिविटीज़ के टाइम घर में कुछ पकवान या ड्राई स्नैक्स बनाए जाते हैं। आपने भी अपनी नानी दादी को मट्ठी, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ, नमक पारे, शक्कर पारे बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। तो इसी परंपरा को आज हम भी आगे ले जाते हैं और अपनी किचन में बनाते हैं मूंग दाल की पापड़ी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी शेफ एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल आउट ऑफ फैशन पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले मूंग दाल पापड़ी का आटा लगा लेते हैं। मैंने 1/4 कप मूंग की धुली हुई दाल को धो के करीब 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था और ये फूल के कुछ ऐसी हो गई है। इसको पानी में से निकाल के हम एक परात में डालते हैं। साथ में जाएगा 1/2 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप मैदा। आप चाहें तो इसकी जगह 1 कप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, इसमें है 8 से 10 कलियां लहसुन की, ये भी ऑप्शनल है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 से 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल और करीब 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंद लीजिए। आटा गूंद चुका है, अब इसे करीब 5 से 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए और तब तक तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। आटा गूंद चुका है, अब इस आटे की पपड़ी बेल लेते हैं। सबसे पहले चकले को थोड़ा इस तरीके से ग्रीस कर लीजिए। पपड़ी बेलने के लिए मैं आज बेलन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इस्तेमाल करूँगी एक कटोरी का। तो थोड़ी सी लोई लीजिए, उसको इस तरीके से फ्लैट करिए, यहाँ पे रखिए और ये है घर में काम आने वाली एक रेगुलर स्टील की कटोरी। इसे भी कुछ इस तरीके से ग्रीस करिए और इसे ऐसे करके प्रेस कर दीजिए। और अब इसी तरीके से आप बाकी की पपड़ियों को भी बेल लीजिए। और अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ट्रेडिशनली जैसे हम चकला बेलन यूज़ करते हैं वैसे करके उन्हें बेलिए।
तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम इन पपड़ियों को मीडियम आंच पे फ्राई कर लेते हैं। पपड़ियों को छोटे छोटे लॉट्स में तलिए और उसे एक तरफ से करीब 2 से 3 मिनट के लिए पकाइए और फिर उसे पलट लीजिए। अब इन पपड़ियों को एक एब्जॉर्बेंट पेपर टॉवल पे निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से आप बाकी की पपड़ियों को भी फ्राई कर लीजिए। अब इन गरम गरम पपड़ियों को थोड़ी देर छोड़ दीजिए जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। ठंडी होने के बाद में आप इन पपड़ियों को स्टोर कर लीजिए एक एयर टाइट कंटेनर में और फिर इसका मज़ा लीजिए फेस्टिविटीज़ के दौरान या शाम की चाय के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की मूंग दाल पपड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।